सारे यंग लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो यही सोचते रहते हैं कि हम किस टूल से या किस चीज़ से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक स्किल देने जा रहा हूँ जिसको आप विद इन 2 to 3 weeks के अंदर सीख के फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं और $100 पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज अब्दुल हनान और आए कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि दुनिया के अंदर कंपनीज रन करते हैं, उनके पास एम्प्लॉयज रखने के लिए इतने ज़्यादा बजट्स नहीं मौजूद होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम जो है आउटसोर्स कर देते हैं मार्केट के अंदर। और वही वाला काम बहुत सारे लोग घर बैठे करके वो वाला काम डिलीवर करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को आमतौर पर फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम कहा जाता है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और एक आपको स्किल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि स्किल हमने कौन सा अचीव करना है। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्किल यूज़ होता है वो होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब आमतौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आप लोग फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स की तरफ जाते हैं जिनको सीखने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्किल सिखाने जा रहा हूँ जिसको आप विद इन वीक मास्टर कर सकते हैं, और उस टूल का नाम है canva.com जो कि 100% फ्री अवेलेबल है। इसको आप जीमेल या फेसबुक अकाउंट के जरिए से बड़े आराम से बना सकते हैं। इसको जैसे ही आप बनाते हैं तो इसको एक बहुत ही सिंपल सा एक इंटरफेस में मौजूद है। लेट सपोज आपको अगर एक काम आया है और वो काम ये कि आपने एक यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पर आके आपने यूट्यूब थंबनेल जो है वो लिख देना है। यूट्यूब थंबनेल लिख के आपने सिर्फ क्या करना है, उसको आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब के जो थंबनेल्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि ये वाला जो यूट्यूब का थंबनेल है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस यूट्यूब का जो थंबनेल है उसको आपने क्लिक करना है, तो आपको कम्प्लीटली इसके अंदर एडिटिंग इंटरफेस मिल जाएगा। अब डेफिनेटली आपको एक बेसिक लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आइडियाज़ चाहिए होंगे, तो उसके लिए कलर थ्योरी और इससे जो रेलिवेंट फॉन्ट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देख लें तो आपको पता चलेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कलर जो है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ वापस और यहाँ पर लेट्स सपोज जैसे ये क्रिप्टो लिखा हुआ है तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आके जो है वो हनान जो है लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपडेट है उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सब्सक्राइब जो लिखा उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो पिक्चर लगी हुई है डेफिनेटली अगर मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी इमेज लगी हो, तो मैं सिंपली इसको करता हूँ यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड करने की, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है अपनी अपलोड की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ उस इमेज को मैंने क्लिक करना है, मेरी इमेज जो है वो यूट्यूब जो इंटरफेस है उसके अंदर आ चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और इसको डेफिनेटली मेरा हाथ दूसरी तरफ जा रहा है तो उसको हमें फ़्लिप करना है, तो यहाँ पे फ़्लिप की ऑप्शन है, यहाँ से मैंने फ़्लिप किया तो मेरा ये थंबनेल रेडी हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते तो यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ये कुछ डालना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, इसको यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। किसी भी चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं सिंपली उसको सेलेक्ट करना और आपने यहाँ से आगे डिलीट कर देना है, वो डिलीट हो जाएगी। आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जो आपने अभी डिज़ाइन बनाया हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स के अंदर जा सकते हैं और टेम्पलेट्स में जाके कोई भी डिफरेंट टेम्पलेट को यहाँ पर सेलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं और उसको जैसे मैंने अभी इसको एडिट किया था सेम इसी तरीके से आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करना है जो कि टॉप कॉर्नर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है और यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगा ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड होकर मेरे लैपटॉप के अंदर आ जाएगी और इसको मैं क्लाइंट को आगे भेज दूँगा। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली फाइवर के ऊपर ये स्किल को सेल भी कर रहे हैं। उसके लिए सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने फाइवर की वेबसाइट ओपन की और यहाँ पर आके मैंने ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो कैनवा को सर्च कर लिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आके आपने क्या किया, कैनवा को आपने यहाँ पर आके सर्च कर लिया और आपने यहाँ पर एंटर दबा दिया। अब यहाँ पर जितने भी हैं वो कैनवा से रेलिवेंट जो है वो गिग्स आपके पास आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कोई पर्सन जो है वो कैनवा के हवाले से डिज़ाइनिंग की सर्विसेज सेल कर रहा है और ये कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट इज़ 21,000 rupees फॉर अ सिंगल डिज़ाइन। ऐसी अगर आप देखें तो ये कोई बंदा कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया के आपको डिज़ाइंस बना के दूंगा, ये कितने चार्ज कर रहे हैं, 3,200 rupees। ये क्या कह रहे हैं कि एडिटेबल टेम्पलेट्स बना के देंगे इंस्टाग्राम के लिए, 5,000 rupees, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं एडिटेबल डिज़ाइन बना के दूंगा कैनवा के ऊपर, कितना चार्ज कर रहे हैं, 7,000 rupees। और इसके पास कितने प्रोजेक्ट्स पर चल रहे हैं, 456। चलो एक रफ अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने पैसे अब तक कमा चुका होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना एक प्यारा सा कैलकुलेटर ओपन करते हैं।
और इस पर एक जरा एक सिंपल सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसने अभी तक कितने पैसे कमाए होंगे। तो टोटल अब ये गिग के लिए चार्ज कर रहा है 7,696 रुपीज़, और इसके बाद टोटल प्रोजेक्ट कितने आ चुके हैं इस गिग के ऊपर से 456, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 456 के साथ, एंटर दबाते हैं तो आपके सामने जो कैलकुलेशन आ रही है दैट इज 3.5 मिलियन रुपीज़ जो कि इन्होंने एक सिंगल गिग से कमाया है, जो कि अभी आपको मैंने सिखा भी दिया कि कैनवा के ऊपर ये इसको चीज़ों को बनाना कितना आसान है। तो इस स्किल को सिर्फ सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके ऊपर ईजिली आके एक अबूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं आइडिया हो रहा कि इसके अंदर क्या है, तो आप इन गिग्स को ओपन करें और इन गिग्स की आप डिटेल्स में चले जाएं, ठीक है। तो उसने आगे फर्दर एब्रीवेशन भी दी हुई है कि वो क्या कर रहा है, लाइक लोगो डिज़ाइन बना के दे रहा है, मेन्यू बुक्स बना के दे रहा है। लेट्स सपोज आपको एक काम आ जाता है मेन्यू बुक का, ठीक है। तो सिंपली मेन्यू लिखा, मेन्यू आपने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपने मेन्यू लिखा, एंटर दबाया और ये देखें यहाँ पे मेन्यू के इतने सारे आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी आइडिया को क्लिक करें, उसमें जाके एडिटिंग करें और उसको जाके डाउनलोड करें, आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ PNG या JPG निकलती हैं, इसके अंदर से बाकायदा प्रिंटेबल फाइल्स भी निकाल सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाके अगर आप इसको PDF कर लेते हैं, तो PDF करके आप इसको ईजिली बाद में इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं कि आप एक बेसिक लेवल का काम करें, आप एक बहुत हाई एंड प्रोफेशनल लेवल का भी काम इसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मेरे जितने भी डिज़ाइन होते हैं जो कि आप पेज के ऊपर देख भी सकते हैं, जितने थंबनेल्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इसी टूल से मैंने बनाए हुए हैं। तो कैनवा एक बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव टूल है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने क्या करना है कि आप लोगों ने 1 वीक आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक पढ़नी है और कैनवा के ऊपर अपना हाथ सीधा करना है, और नेक्स्ट वीक के अंदर आपने क्या करना है कि आपने फाइबर के ऊपर जाना है और जाके जो है ना इसके ऊपर वर्किंग करनी है। पाकिस्तान के अंदर से तकरीबन 4,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि कैनवा प्लस फाइबर के ऊपर जाके काम कर रहे हैं और 100,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को पर्सनल तौर पर मैं जानता हूँ जो कि लाखों रुपए के अंदर इसी टूल को यूज़ करके जो है वह कमा रहे हैं। पर्सनल तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे क्लाइंट्स को कैनवा के ऊपर से डिज़ाइन ला के भी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। तो आप लोग इस टूल को सीख के फटाफट से फ्रीलांसिंग करके अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।